एनिमल डाइवर्सटी इन वर्टिब्रेड्स फॉलम आर्थरोपोर्ड्स के सब फाइलम हेक्सोपोड्स में मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि सोयल डवेलिंग इंसेक्ट्स जो है इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल हैं लेकिन कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं सोशल इंसेक्ट्स बेनिफिशियल हैं पोलिनेटर्स बेनिफिशियल हैं इसके अलावा एक और है कैटेगरी इंसेक्ट्स की जिसको हम कहते हैं सॉइल डवेलिंग इंसेक्ट्स ये सॉइल के अंदर रहते हुए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में वो किस तरह से कर सकती हैं सॉयल एरिएशन के थ्रू ड्रेनेज के थ्रू टर्न ओवर ऑफ द सॉयल एंड नॉर्मली दे आल्सो प्रमोट द डेइंग प्रोसेस जिससे सॉइल में ह्यूमस जो है वो इंक्रीज करता है और सॉइल की प्रोडक्टिविटी इनहानस होती है कुछ ऐसे इंसेक्ट जो हैं दे आल्सो आर वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड वेब जब तक वो नहीं होंगे तो फूड वेब जो है नेचर के अंदर फूड चेन की शक्ल नहीं ले सकती इंसेक्ट्स जो हैं इसके अलावा टीचिंग में यूज़ होते हैं रिसर्च में यूज़ होते हैं जेनेटिक्स में यूज़ होंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी में फिजियोलॉजी में तो इन इंसेक्ट्स की एक इम्पॉर्टेंट बहुत सी ब्रांचिज़ हैं जिसको हम स्टडी करने आए तो उसको हम कहते हैं एंटमोलॉजी फिर इंसेक्ट्स जो हैं यूजअली दे आर ऑल्सो आप देखें बटरफ्लाई को देखें अस्थैटिक सेंस जो है ह्यूमन बीग्स की समटाइम्स अगर आप हिली एरियाज़ में इनको वॉच करते रहें तो अस्थैटिक सेंस इंक्रीज़ होगी लाइक बटरफ्लाई को क्लैक्ट करना प्रिजर्व करना और नेचर के अंदर इसको देखना दिस इज़ आल्सो वेरी प्लेयर फॉर दी ह्यूमन बींग्स फिर सोइल डिंग इंसेक्ट्स जो हैं दे आर नॉर्मली hidden in the soil and they are hard to detect until the sudden inky appearance jo hai, creates demand for rapid curative treatment. Normally they soil dwelling insects they live hidden inside the soil. This is an example of soil dwelling insects which are living in the soil and are playing their role in improving the soil aeration, soil turnover, सोईल का जो है इसके अंदर डिके का प्रोसेस जिससे सॉइल में ह्यूमस इंक्रीज होगा और ये अंडरग्राउंड रहेंगे उस वक्त तक हमें ये नज़र नहीं आएंगे जब तक इनको सॉइल के अंदर कोई सर्वाइवल के लिए डैमेज नहीं होगा लाइक हम बहुत ज़्यादा सॉइल में पानी दे देते हैं तो इनका अंडरग्राउंड रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है उस सूरत में ये ज़मीन से निकल ऊपर हमें कॉलोनीज़ की शक्ल में अगेन नज़र आना फिर शुरू हो जाएंगे एंड दे आल्सो शो देअर फोरेजिंग बिहेवियर फोरेजिंग बिहेवियर ये होता है जिसमें एक दूसरे के पीछे भागता है लाइक like अगर पता चलता है कि इंसेक्ट को कि यहाँ पे फूड सोर्स जो है वो मौजूद है एक इंसेक्ट इसको खाएगा फिर पूरी इंसेक्ट की कॉलोनी उस तरफ आ जाएगी एंड दिस इज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ सम फिरोमोन्स जिसको हम ट्रेलिंग फिरोमोन्स भी कह देते हैं